हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको स्टेक बनाने की रेसिपी देते हैं जिसको कि रोल्ड रिब रोस्ट कहा जाता है। ये एक किस्म का रोस्ट ही है जो कि इंग्लिश स्टाइल पर किया जाता है, और इसके लिए हमने सबसे पहले तो बूचर से ही ये बना बनाया बीफ का टुकड़ा लिया है जो कि यहाँ पर रोल्ड रिब रोस्ट के नाम से ही दस्तयाब होता है। इसको हमने धो लिया है और धो के हमने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून फुल जो है वो सॉल्ट के डाले हैं। फिर हमने इसमें पानी डाल देना है, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, और सॉल्ट जो है पानी में से फिर ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको हमने 3 to 4 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देना है। अब हमने वॉश्ड पोटैटोज़ जो हैं वो लिए हैं, उनको आधा आधा कर लिया है, छोटे साइज के ही पोटैटोज़ हैं, और साथ ही हमने ये जो पम्पकिन है उसके भी हमने पीसेस कर लिए हैं बड़े बड़े ही। इसमें हमने 1 होल गार्लिक जो है वो तोड़ तोड़ कर डाल देना है जिसे कि हमने छीला नहीं है। अब हमने जो रॉक सॉल्ट है वो इसमें डाला है, 1 टेबलस्पून फुल रॉक सॉल्ट हमने लिया होगा, और फिर हमने 2 to 3 sticks जो हैं वो रोजमेरी की डाल लेनी है। बटर रखा है हमने इसके ऊपर, जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हों वो बेशक इस पर ऑलिव ऑयल डाल लें, लेकिन हमको ये बटर में ही पसंद है। और इसको हमने अब ओवन में रख देना है। अभी हमने ओवन की आंच जो है वो ऑन नहीं की है। जब 4 आवर्स हो चले थे मीट को सॉल्ट में भीगे हुए, उस वक्त हमने ये पोटैटोज वगैरह जो हैं ये काटे हैं और इनको ओवन में रखा है, और अब हम बीफ को ओवन में डालने की तैयारी करते हैं। एक ट्रे पर हमने बेकिंग पेपर लगाया है, उसके ऊपर हमने फॉइल लगा लिया है इसलिए कि हमारी ट्रे साफ रहे, और इस सबको करने का कोई मकसद नहीं है। बीफ का हमने सारा पानी जिसमें ये भिगो रखा था वो गिरा दिया है। 1 टीस्पून फुल जो है हमने इस पर मस्टर्ड पाउडर डाला है, और इसके बाद हमने 1 टीस्पून फुल ही सॉल्ट का डाल देना है। इसको हमने अच्छी तरह से इस पर रब कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत मोटी फैट की लेयर है, तो ये जो रोस्ट होता है ये और टेस्ट देता है बनिस्बत हमारे यहाँ के बिल्कुल ही गोश्त जो है उस पर फैट नहीं है और वो ओवन में रख दिया जाता है, वो ड्राई हो जाता है, तो ये ड्राई नहीं होता। अब हमने थोड़ा सा ये जो फॉइल पेपर है इसको लिफ्ट कर लेना है साइड से, ताकि इसके जूसेस जो है वो किसी भी सूरत में ट्रे में सीप ना कर जाएं। गार्लिक लिया है 1 होल गार्लिक, इसको हमने हाफ में काट लिया है छिलके के साथ ही, और इसको अब हमने अपनी ट्रे में फैला देना है। रोजमेरी की 1 to 2 stems जो है वो हमने इसके ऊपर रखी हैं, और इसके ऊपर अब हमने खूब सारा बटर जो है वो लगा देना है। बीफ तो हेल्दी हो ही नहीं सकता, बीफ है, रेड मीट है, ऑलरेडी वो इतना बुरा है तो थोड़ा और सही। तो इस पर ऑलिव ऑयल छिड़क देने का मतलब कतन ये नहीं है कि हमने इसको हेल्दी बना लिया। पोटैटोज जो हैं जो वो हम पील किए लेते हैं, हमने पोटैटो सैलेड जो है वो थोड़ा सा इसके साथ बनाना है, और इनको हमने क्यूब्स में काट लेना है। जिस तरह पर हमने काटा है ऐसे आप ना काटें, हमें तो आदत है, हमारा हाथ नहीं कटता, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप अपना हाथ काट लें। और अब हम जरा इसको खोल के देखे लेते हैं। अभी हम इसको पोक करके देखने के लिए कि ये कितना पक चुका है उस तरफ को गए हैं, तो ये देखिए पीछे से ये क्या हो रहा है। ये हमें फिल्म में ही दिखाई दिया है, मगर जिस वक्त ये वारदात हो रही थी उस वक्त हमारी नजर इन पर बिल्कुल नहीं पड़ी है, तो पोटैटो के लिए ये सारा जहाज जो है ये जारी है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये हमने इसमें प्रिक कर लिया, और इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। करीबन 3 आवर्स जो है वो हमने इसको ओवन में रखा है। वेजिटेबल्स हमने बिल्कुल नीचे रखी थी, क्योंकि ओवन का निचला हिस्सा सबसे कम गर्म होता है, अगर आप ऊपर रख देंगे तो ये जल जाएंगी। रोस्ट आपने बीच की ग्रिल में रखना है। अब जो है ये रोस्ट हम यहाँ पर रखे लेते हैं, और इसके इर्द गिर्द हमने वेजिटेबल्स जो है वो फैला देनी है। ये हमने रेडी किया है बिल्कुल उस वक्त के लिए जिस वक्त हमने इसको खाना हो। अब आप इसको ओवन में रख लें, जिस वक्त आपने डिनर सर्व करना हो उस वक्त जो है वो आप इसको 10 मिनट्स के लिए ओवन को ऑन कर दें, और बहुत ही खूबसूरत ग्लेज्ड डिनर जो है वो आपका तैयार होगा। इतने में हम पोटैटो सैलेड बनाए लेते हैं। 2 पोटैटोज हमने काट लिए थे, इसमें हमने 1/2 कप जो है वो मेयो डाली है, 1/3 टीस्पून जो है वो हमने इसमें मस्टर्ड पाउडर का डाला है, और ये जो है ये होल ग्रेन मस्टर्ड है, इसका हमने 1/2 टीस्पून जो है वो भर के डाला है। अब हमने इसमें 1/4 कप जो है वो एवेपोरेटेड कंडेंस्ड मिल्क डाला है। ये मीठा नहीं है, गाढ़ा किया हुआ दूध ही है,
और अब हमने इस पोटैटो सैलेड को हिला लेना है। इसमें हमने 1/3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाला है। अब हमने 1 टीस्पून फुल इसमें विनेगर का डालना है और फिर इसको हमने हिला लेना है। इसमें आप चाहें तो सैलरी डाल सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाला है। और ये देखिए हमारा रोस्ट जो है ये बिल्कुल तैयार है, डिनर टाइम है। इस वक्त हमने इसको 10 मिनट सवन में रख के निकाला है। इसको हमने 180 डिग्री पे पकाया है 3 आवर्स के लिए और बाद में हमने इसको 10 मिनट्स के लिए रखा है। तो ये देखिए किस कदर सॉफ्ट और मॉइस्ट रोस्ट जो है वो तैयार हुआ है। हमको बाहर से ये बिल्कुल लाल हुआ पसंद है, यानी कि इसका क्रस्ट बन जाए। बिलाशुबा ये एक बहुत ही फिलिंग और कंप्लीट मील है। इसको खाने के बाद आपको रोटी की तलब नहीं होगी। इसके साथ हमने गार्लिक ब्रेड भी तैयार की हुई है, तो ट्राई कीजिए। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अपने कुकिंग के 12 सवालात भी आप हमसे वहां पर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।